हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान की टीम को कि कल रात का मैच उन्होंने जीत लिया है न्यूजीलैंड से। एंड बहुत सारे मीम्स बन चुके हैं इसके ऊपर भी, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है सिक्योरिटी रीजंस का बहाना कर भाग गई थी पाकिस्तान से एंड उसका जवाब मिल चुका है उन्हें। एंड बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पर लिखी हुई इंटरनेट पर कि रियलिटी चेक आफ्टर सिक्योरिटी चेक। रियलिटी चेक हो चुकी है अब, हाँ, सिक्योरिटी चेक होने के बाद। बहुत सारे मीम्स हैं, मीम्स पर रिएक्ट कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या मीम्स बने हैं कल रात के। अरे नाउ सिक्योरिटी सिक्योरिटी न्यूजीलैंड वालों की वाट लगा दी भाई, वीडियो बना रहे हैं और उनके ऊपर चीख रहे हैं। मैच के बाद का सीन, मुबारक हो न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी क्लियर हो गई। हाथ पहले पाकिस्तान वर्सेस, ये सही था मैच और पाकिस्तान जीते हैं। बड़ा बड़ा सिक्योरिटी का इशू सी, ये सारिया ने सिक्योरिटी का इशू सॉल्व कर दिता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का, की सी पाकिस्तान एक थ्रेट है न्यूजीलैंड की टीम, वो थी पाकिस्तान की टीम और सारा सिक्योरिटी का इशू। इन्होंने हालात पलट गए, जज्बात पलट गए। सिक्योरिटी इशू रिजॉल्व, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का सिक्योरिटी का इशू सॉल्व हो गया है। ओ पाकिस्तानी टीम तो सी, सो न्यूजीलैंड नो मोर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। असल उससे ही मैं न्यूजीलैंड पे था, ये इंडिया तो रास्ते में आ रहा। हमें न्यूजीलैंड पे ज्यादा गुस्सा है, हमने यहाँ पे कम फोकस किया। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, हमने न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ना। हमें गर्मी जितनी न्यूजीलैंड पे ना उतनी यहाँ पे नहीं है, तो हमने छोड़ना नहीं न्यूजीलैंड को जो हमसे भाग के गए हैं, हमने उधर नहीं भागने देना उनको। ये हमारा फोकस। मैंने अभी तक जितनी टीमें देखी है, नो डाउट इंग्लैंड ने उस दिन वेस्टइंडीज को हराया, सब कुछ हुआ। मुझे अभी तक अगर कोई कंप्लीट टीम दिखी है, कंप्लीट टीम मतलब राहुल जो कंप्लीट टीम दिखी है वो पाकिस्तान में दिखी है। आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट द फैक्ट, आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट। झूठ बोल रहा है। मैं बोल रहा था यार शामिल होंगे इसमें इंडियंस का भी। ज्यादा होशियारी दिखाई तो टांग तोड़ दूंगा, ये तो बोला था ना, बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं आपने कहा, अच्छा ये न्यूजीलैंड, ये इंडिया, जब आप नाव में थे ये पाकिस्तान कहा था, और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे, बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप ये बोल कहा, चुप चुप, नहीं कहा था मैंने, मार कसम नहीं। वाह वाह वाह, और सिक्योरिटी वाले नारे, मैच होते हुए भी भाई पूरे मैच के दौरान कितना जलील करा है इन लोगों को यार, इनके साथ तो ऐसा होना चाहिए था। मतलब ऐसे कौन करता है पिच पे जाके वापस भूल जाओ। टाइट कर दी सिक्योरिटी, दही जमा लो। मैदान की कॉल आई थी, सिक्योरिटी इशू नहीं रहे। अफगानिस्तान स्कॉटलैंड, पिच पर तो बुलाई हुई है न्यूजीलैंड की, उसके बाहर भी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, तो व्यूवर्स पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप T20 का मैच हरा दिया है, और जिसपे बहुत ज़्यादा और एक्टिव मीम्स
बनना शुरू हो चुकी हैं। तो कुछ मीम्स आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले जो मीम मिली है उसमें है कि अब भाग के दिखाओ ना, जैसे पहले टूर से भागे थे तो रन आउट किया उसके बारे में, रन आउट के बाद कोहली और इनका न्यूजीलैंड का कैप्टन खड़े हैं कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, दोनों पाकिस्तान से हार चुके हैं। इसके बाद क्या कि नेक्स्ट जो मैच है अफगानिस्तान के साथ उसके बारे में दिखाया गया है कि पहले दो जो थे हम उनको हरा चुके हैं और अफगानिस्तान की बारी है, देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। इसके बाद न्यूजीलैंड राइट नाउ ने तो शाहीन की तैयारी की थी, आउट ऑफ सिलेबस आया, अच्छी बॉलिंग की, ये बहुत सही था यार, सच में आउट ऑफ सिलेबस था उनके लिए। फीलिंग सिक्योर्ड नाउ कि अभी आप सेफ महफूज कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या है कि पॉइंट टेबल हमारे पास देख रहे हैं, पाकिस्तान टॉप कर रहा है, दो मैच खेले, दो के दो जीते, चार पॉइंट है। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है, इंडिया चौथे नंबर पे है, नामीबिया सेकंड नंबर पे है। जो नेक्स्ट 156 करके नहीं जीत सके, 156 रन बनाकर हार गए हैं, और जबकि न्यूजीलैंड जीतेगा तो 135 करके जीत जाएंगे, 135 वाले थोड़े ही है। कोहली बता रहा है कि सबसे पहले वो टॉस जीतेंगे, फिर वो आपको बैटिंग की दावत देंगे, आउट कर देंगे और उसके बाद वो मैच जीत जाएंगे। उसके बाद एक और आई किसी न्यूज की के सिक्योरिटी अलर्ट तैनात कर देंगे, और माय टिकटॉक फॉलोअर वीडियो जो के सिक्योरिटी तैनात प्रोवाइड करेंगे न्यूजीलैंड की टीम को। हर कोई सिक्योरिटी इशू हो गए थे दसो। उसके बाद एक और जो आई सारे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 5 विकेटों से हराया गया है। इससे पहले इंडिया को हराया गया था 10 विकेट से। इसके बाद जो मिली है वो ये ऑल सिक्योरिटी इश्यूज इंचार्ज आसिफ अली मलिक, थैंक्स फॉर कमिंग क्यूएस। इसके बाद जो बाबर आजम रिजवान और शाहीन अफरीदी को सिक्योरिटी इंचार्ज ग्रुप में दिखाया गया, जो कि काफी फनी लग रहे हैं, प्रोवाइड किया सिक्योरिटी इंचार्ज। वो पाकिस्तान की विनिंग सेल्फी जो कि शाहीन अफरीदी ने दूसरे मैच के बाद भी क्लिक किया है, दोनों मैच पाकिस्तान जीत चुके हैं। फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन क्लिक करेगा और वीडियो को तमाम दोस्तों गन्ने वाला रस्ते भूल गए। खूबसूरत स्वर्ग था, अपनी आंखों के सामने इसे नर्क होते हुए नहीं देख सकता। ये कहां जा रहा है? मैं बताता हूं, बताता तू रुक रुक, मैं बताता हूं। पाकिस्तान जब आप शाहीन शाह अफरीदी के तैयारी करके आए और आपको सिलेबस में कुछ और मिले न्यूजीलैंड, क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा, स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड इंडिया। सो गाइज, बहुत ही तगड़े तगड़े मीम्स बने हैं भाई कल रात के भी, और ज़बरदस्त वाली मतलब सिक्योरिटी को लेकर जो मतलब खुन्नस थी अंदर, मन्नस होनी भी चाहिए मतलब पाकिस्तानियों को होगी अंदर, सभी के अंदर होगी कि यार एक बदनामी कर चले गए। ऐसा कौन करता है मतलब पिच पर जाकर आप वहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न की या कमी बताकर या फिर कुछ थ्रेड्स को बताकर कि हमें मिल रही है तो वो बताकर भाग जाओगे और उसके बाद सामने वाले को दुख भी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसी चीज़ का बदला अब निकल रहा है पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ से, क्रिकेटर्स के अंदर भी होगा। वो उन्होंने पिच पर निकाला, गेम में निकाला, बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं अपना मतलब अंदर की खुन्नस जो होती है वो निकलेगी भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि काम ही ऐसा करके गए हो तुम तो खुन्नस तो निकलनी बनती है। उसके बाद मीम्स तो बनेंगे, उसके बाद पब्लिक तुम पे चिल्लाएगी सिक्योरिटी सिक्योरिटी कर कि अब बताओ कि अब कहाँ गई वो सिक्योरिटी, कहाँ से ख़राब है भाई सिक्योरिटी, हमने तो सब काम कर लिया है। मीम्स एक से एक फ़नी थे, मुझे पता था कि इंडियन टीम का जो ताज़ा ताज़ा अभी इंडिया पाकिस्तान का जो सीन है वो ताज़ा है और उसको भी शामिल किया जाएगा, वो भी किया है, लेकिन पाकिस्तानियों ने कुछ मीम्स तो मुझे बहुत सही लगे। एंड सबसे बढ़िया लगा मुझे पहले वीडियो में देखा मैंने सिक्योरिटी कर पब्लिक चीख रही थी ग्राउंड पर, मतलब खिलाड़ी जो बाउंड्री के पास लगे हुए हैं न्यूजीलैंड के, उनकी रेड लगा दी है और वीडियो बना रही है और बहुत चीख चीख कर। दूसरा वो सही था जो सिलेबस वाला था कि शाहीन अफरीदी की मतलब वो स्टडी कर रहे होंगे शाहीन अफरीदी को, वो बहुत ही सही लगा मुझे कि शाहीन अफरीदी को मतलब स्टडी कर रहे होंगे न्यूजीलैंड वाले कि मुझे हमें
किस तरीके से उनको मतलब टारगेट करना है कि उनकी इस तरीके की बॉल्स आती हैं, ऐसे ऐसे हम उनको खेलेंगे और जीत की तरफ बढ़ जाएंगे, मतलब स्टडी उनको किया होगा। लेकिन सच बात है, आउट ऑफ सिलेबस जो है हारिस आ गए। आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ आती है उसमें दिमाग घूम जाता है, सबको पता है। तो ये मीम बहुत बढ़िया था, बाकी और भी थे जिसको देखकर मज़ा आया मुझे, काफ़ी मीम्स थे, बढ़िया थे, मज़ा आया। आपको अगर आया तो कमेंट कर बताइए और सब्सक्राइब कर ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मेरे साथ ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। लाइक करके शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।